लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है। राजधानी के भाजपा एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। इससे आज ये साबित हो गया कि सत्य की जीत और कांग्रेस की हार हुई है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर दुष्प्रचार में लगी हुई है। कांग्रेस के शासन काल में कमीशन खोरी को बढ़ावा मिला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मुंह में तमाचा है। कांग्रेस लगातार झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सेना से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस के 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वादे को 10 दिन बाद याद दिलाऊंगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।